ये राम लड्डू है बवाल, क्योंकि इसे बनाते बनाते भैया के हाथ ही नहीं रुकते हैं, और यहाँ पे 5 मिनट में 100 से ज्यादा राम लड्डू बना देते हैं, और 50 रुपए के 5 पीस मिलने वाले इस राम लड्डू को खाने के लिए पूरी की पूरी दिल्ली दीवानी है। सो चलिए देखते हैं कैसे यूनिवर्स की यूनिक मेकिंग और क्या है इसका। भैया कौन सी दाल है ये? मूंग और चने की दाल है। मुझे बताइए ये तो बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो गया, कैसे? हाथों से होता है मशीन से होता है? मशीन से होता है, पहले भिगोते हैं फिर उसको मशीन से पीसते हैं, फिर हाथ से फिटाई करते हैं, फिर घान बनाते हैं, फिर स्टार्ट हो जाते हैं बनाने। भाई ये तो बहुत मेहनत का काम लग रहा है। इतनी मेहनत, उतनी तनख्वाह भी नहीं देता मालिक। मुझे बताओ सर्दियों में खड़े होना बात अलग है, गर्मियों में भट्टी में खड़ा होके हालत खराब हो जाती है? सर्दी का स्वाद हमने तो गर्मी का स्वाद हम लेंगे, पकौड़े का स्वाद दिल्ली लेगी। आपको कुछ आइडिया होता होगा आप दिन के कितने बना लेते हो पकौड़े? कुछ पता नहीं, गिनती नहीं कोई। 4 बंदे बनाते, 2 ऊपर बनाते, 2 नीचे बनाते हैं। मतलब बिल्कुल भट्टी के आगे खड़े रहना और लगातार बनाते रहना, थकान नहीं लगती भैया? शाम को ले लेते हल्की हल्की, उससे सारी थकान निकल जाती है, दूर हो जाती है। मालिक बढ़िया, हमारा काजू बादाम खिला है शाम को। लगता तो नहीं है भैया, जैसे की आप बात कर रहे हो, मजाक कर रहे मुझे देख के? मजाक से हटके, मतलब एम्प्लॉय का ध्यान रखते हैं? बिल्कुल, ये हुनर आ गया हमारा, यही ख्याल रखता है हमारा सबसे ज्यादा। भाई मुझे बताओ आप तो मालिक हो, उसके बाद खुद भी मेहनत करते हो? हाँ जी मैडम, करनी पड़ती है। ऐसा क्या है राम लड्डू में कि आधी दिल्ली दीवानी हो रही है? लड्डू और चटनी का सब टेस्ट है हमारा। तो कितने साल पुरानी दुकान है? 42 साल हो गए। और सेम स्वाद है तब से? मुझे बताइए दुकान की शुरुआत किसने करी थी? ताऊ जी ने और पापा जी ने। वो तो रिटायर हो गए। अच्छा रिटायर हो गए, घर बैठे खर्चा देते हैं उनको। मुझे बताइए जो आपके बंदे हैं सारे के बंदे पुराने हैं या फिर आते जाते रहते हैं? और भी हैं पुराने, वो गांव में अभी आएंगे, ये भी 10-10 साल हो गए, इन्हें 15 साल हो गए। भाई मतलब ये भी रिटायरमेंट लेके ही मानेंगे यहाँ? भाई ये कह रहे हैं कि इनके मालिक बहुत अच्छे हैं, इनको काजू बादाम खिलाते हैं, भाई क्या सच बात है? इनकी बुद्धि तेज करनी होती है ना, टोकर वोकर लेते हैं भूल ना जाए। तो सीधा काजू बादाम खिला दो, असर आ जाता है। काजू बादाम नहीं खाएंगे चलाएंगे कैसे भी। भाई मुझे एक चीज बताओ, मतलब ये जो दाल है ना, दाल तो सेम ही होती है? हाँ मूंग और चने की होती है मिक्स। हाँ तो फिर ये हर जगह का स्वाद अलग अलग कैसे आता है? पिटाई करता है हमारा वो लड़का पहलवान, देखा होगा ना भी दाल लेके आए, पहलवान है सनी देओल है पूरा। जो राम लड्डू बनते हैं आप टेस्ट करते हो? सबसे पहले हम ही टेस्ट करते हैं मैडम, 11 बजे आके देख लेना, सुबह टेस्ट करते हैं, फिर जब खाना खाते हैं तो 2 मिर्ची 2 लड्डू साथ में खाते हैं और रोटी। ये जो राम लड्डू है ये लड़के ज्यादा खा रहे हैं लड़कियां ज्यादा खा रही हैं? अरे बंदे इतनी लड़कियां उतने लड़के, उतनी लेडीज है, इतने बड़े बूढ़े इतने जवाने, सब बराबर ही है। ये जो मूली वगैरह ये भी ताजी ताजी खिंचवाते हो? मुझे बताइए मिर्ची के ज्यादा पसंद कर रहे हैं या फिर ये दाल वाले? मतलब मिर्च कम खाते हैं। लगने वाली मिर्च है या फिर ऐसे ही? सिकने तो कम हो जाती है मिर्च, कच्ची खाएंगे तो ज्यादा लगेगी। तो भैया मुझे एक बात बताओ, भैया शुरू से ये दुकान इतनी ज्यादा फेमस है या अभी हुई है? शुरू से ही है मैडम, 10 साल में और ज्यादा हुआ है, मतलब जब से यूट्यूब वगैरह ज्यादा, जब से और ज्यादा कोलकाता वगैरह बैंगलोर से इनके साथ जो आते फोनर वो बताते हैं हम ऑस्ट्रेलिया से आए, अमेरिका लड्डू पैक भी जाते हैं। मुझे बताइए भैया इसका रेट क्या है? 60 रुपए की प्लेट, 60 रुपए। 60 रुपए कितने होते हैं इसमें? 6 पीस होते हैं। भाई बहुत महंगे हैं, तो 5 रुपए के 6 महीने बेचे हैं। 4 बंदे लड्डू बनाने वाले थे तो आपने 5 रुपए के 4 भी बेचे हुए हैं? हाँ पास है बहुत साल पहले, 5 रुपए के 6 रेट बढ़ गया, लेकिन लड्डू 6 पीस है। मैं कह रही तब तो बुलाया नहीं आपने मुझे जब 5 के 6 थे। तब नहीं बुलाया तो मेरे ध्यान पहले, तब मैं पैदा नहीं हुई। तो भाई आज मैं आ गई लाजपत नगर में, लाजपत नगर में आके अगर शॉपिंग करी है और राम लड्डू नहीं खाए तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आके राम लड्डू खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने ले लिया एक प्लेट जिसमें कि 50 रुपए की प्लेट रहने वाली है और उसमें 6 पीसेस रहते हैं, और यहाँ पे ये देखो भाई ये है मिर्ची वड़ा और यहाँ पे साथ में इसमें राम लड्डू जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो इसको टेस्ट करके बताती हूँ इसका टेस्ट कैसा होगा। सो बात अगर टेस्ट की करें ना, एकदम सॉफ्ट रूई जैसा टेस्ट है, लग नहीं रहा कि ये दाल के बने हुए, मुझे बिल्कुल अमेजिंग लगे। ये अगर किसी को खाने हैं तो कहाँ पे आना होगा, एक बार एड्रेस बताना। लाजपत नगर सेकंड डी ब्लॉक 33 बिल्डिंग नंबर। अगर आपको भी टेस्ट करना है ना तो आप आ सकते हो लाजपत नगर, मैं यहाँ पे इसको खाती हूँ, इंजॉय करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, जाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मैं इतना खाते रहिए।